हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आषाढ़ मास में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना कैसे करें। तो देखिए भक्तों, आषाढ़ मास शुरू हो चुका है तो जून के महीने का जो लास्ट दिन होते हैं और जुलाई के महीने के जो शुरू के दिन होते हैं उन्हें हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ का महीना कहा जाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को जैसे आप सुबह सुबह में उठाते हैं, चाय दूध आदि पिलाने के बाद में थोड़ा देर बिठाने के बाद में एक पात्र ले लें, और आप पात्र पीतल का तांबे का ले सकते हैं, यदि नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें चंदन से स्वास्तिक बना दें, उसके बाद फूलों का आसन देंगे क्योंकि हमें अपने लड्डू बाबू को करना है स्नान, तो आप इसी तरह से स्नान कराएं। भक्तों, यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो आप उनका डेली पूजन आषाढ़ मास में कैसे करेंगे वो दिखा रही हूँ। तो इसी प्रकार से हमें जल से, गंगा जल से स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करना है। तो देखिए, इस महीने में क्या कुछ खास है और कौन कौन से त्यौहार हैं जो कि बहुत ही विशेष हैं, इसके साथ ही अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करेंगे उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। तो देखिए, हम गाय के कच्चे दूध से यहाँ पर अभिषेक करा देंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, डेली बेस में आप गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं या फिर सिर्फ जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस महीने की शुरुआत में ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और इसी महीने श्री जो हरि शयनी एकादशी, जिसे देव शयनी एकादशी कहते हैं, जब भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। स्नान कराने के बाद में हम टावल से लपेट देंगे और जो जल है ये प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, बाकी जल तुलसी के गमले आदि में डाल दें और यहाँ पर इत्र की सेवा करेंगे। तो देखिए, वो जो एकादशी है, एकादशी वाले दिन ही इसी महीने में आएगी जो भी एकादशियां हैं, और जिस किसी ने भी निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत रखना शुरू किए हैं अभी नए नए, उन्हें इस एकादशी को, इन जो एकादशियां हैं इनको जरूर से ध्यान से करना है। तो देखिए, इसके अलावा 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे जो कि 15 तारीख तक रहेंगे, और हम सभी जानते हैं कि साल में 4 बारी नवरात्रि आती हैं, जो कि 2 सामाजिक होते हैं जो कि हमें सभी लोग जानते हैं, और जो होते हैं बड़ी जो गुप्त नवरात्रि होती है उसे कम ही लोग जानते हैं। तो जो बड़ी, हम बड़ी धूमधाम से जो प्रकट्य नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है, 2 नवरात्रि को हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से माता की पूजा की जाती है। तो देखिए, हमने फूलों का आसन लगा करके हमने लड्डू बाबू को बातों हुई बातों में श्रृंगार कर दिया है, तैयार हो गए हैं, उसके बाद में हमने फूलों का आसन दे करके विराजमान किया है, और जहाँ पर लड्डू गोपाल की पूजा होती है वहाँ गौ माता की पूजा जरूर से की जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, उस मनोकामना पूर्ति के लिए इन 9 दिनों तक माता की पूजा बहुत अच्छे से, पूजा सेवा करें, माता के श्रोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, हम यहाँ पर चंदन से सभी को टीका लगा देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। इसी महीने में चातुर्मास के व्रत भी शुरू हो जाते हैं, तो जो कोई भी चातुर्मास के नियम करते हैं, व्रत करते हैं, तुलसी पूजा, विष्णु पूजा, एक समय संध्या के समय भोजन करना, पृथ्वी पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पूर्ण रूप से सात्विक रहना, तो इन सभी नियमों का पालन चातुर्मास में किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। देखिए, जब तक कि देव उठान एकादशी नहीं आ जाती है तब तक के लिए ये हमें इन सभी नियमों का पालन करना होता है। अगर आप इसके नियम जानना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो अलग से डाल दूंगी। तो देखिए, हम यहाँ पर सभी को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, आप कितना कुछ खास है इस महीने में, हम
सनातनी है तो हमें इन सब पूजा पाठ का ध्यान भी रखना चाहिए। तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में हर महीना कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो देखिए गर्मी बहुत होती है तो आप यहाँ पर आम का शरबत पिला सकते हैं, ठंडाई बना करके पिला सकते हैं, रू अफ़ज़ा बना करके पिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रू अफ़ज़ा तैयार करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है। केले का भोग लगा देंगे क्योंकि हमें ठंडी चीज़ों का भोग लगाना होता है। तो देखिए कुछ ना कुछ विशेष त्यौहार होता ही है। तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को हल्के वस्त्र भी पहनाए हैं तो हमें भारी वस्त्र नहीं पहनाने हैं। केले का भोग लगा करके तुलसी पत्र जरूर से डालें और इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ भोग लगा दिया है तो इत्र की मालिश आप जरूर से करें। यहाँ पर मैंने मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखा है तुलसी पत्र डाल करके, क्योंकि गर्मी का समय है, हमें पीतल या तांबे के बर्तन में लड्डू बाबू को भोग नहीं लगाना है जल का। तो मिट्टी के पात्र में ही आप लगाएं और इस तरह से ढक्कन आता है, आप उसे इस तरह से ढक देंगे तो इसमें जल जो है ठंडा रहता है। और एक गिलास रख देंगे जो लड्डू गोपाल जी की है तो इससे जब उन्हें प्यास लगेगी वो इससे जल लेकर के पी लेंगे। तो देखिए आप चंदन का टीका जरूर से लगाएं। यदि आप यहाँ जैसे पूजन संपूर्ण हो जाती है तो आप यहीं पर विष्णु मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाल रूप होते हैं विष्णु भगवान, जो हैं हमारे घर में बाल रूप में विराजमान होते हैं तो हमें बालक की तरह इनकी सेवा करनी चाहिए। तो देखिए जैसा कि जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है, जगन्नाथ जी 14 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं तो क्या इन दिनों में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए? तो हमें इसी प्रकार से डेली बेस में पूजा करनी चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार से हमें पूरा स्नान कराना है और इनकी डेली पूजा इसी तरह से करनी है। हमें गर्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, इनके पास पंखा कूलर जरूर से लगा करके रखें। और देखिए आरती करने के बाद में हम आरती को ठंडा कर देंगे और जहाँ पर आप बैठते हैं ना अपने रूम में वहाँ पर किसी टेबल या चौकी पर आप इनको बिठा सकते हैं। तो देखिए दोनों जो हैं हमने यहाँ पूजा कर ली है, क्षमा प्रार्थना मांग ली है, जो भोग प्रसाद है वो जल मिलने से भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमें पूजन करना होता है। आप तुलसी माता का पूजन डेली कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहाँ देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए इसी महीने में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ तैयारियां कर सकते हैं, जैसे कि आप उनके लिए नए वस्त्र बना सकते हैं या फिर मार्केट से ला करके रख सकते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो आप वीडियो को जल्दी ही देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसी प्रकार से हमें यह पूजा करनी है, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है, समय समय पर हमें लड्डू बाबू का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हमें यह पूजा करनी है। आप खरबूजा, ककड़ी, आम, केला सभी का भोग लगा सकते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ों का पेय पदार्थ का भी भोग लगा सकते हैं। तो बाल गोपाल के होने से हमारे घर में बड़ी ही रौनक रहती है, बाल गोपाल की सेवा हमें में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, आप अपने ध्यान रखना चाहिए ठीक से। तो भक्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।